चलिए, इंतज़ार ख़त्म हुआ। बहुत लोग पूछ रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पर टाइपिंग कैसे होगी, किस फॉन्ट पे होगी, रेमिंगटन पे होगी कि इंस्क्रिप्ट होगी कि। तो फाइनली उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो किस पे करने वाले हैं। हाय हेलो, और कैसे हैं आप लोग? चलिए, अगर पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाही एजुकेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। और आ जाते हैं हम अपने काम की बात पे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था 12 नवंबर को, उसके लिए टाइपिंग जानी थी, क्लरिकल लेवल के लिए टाइपिंग करनी थी। जैसे यहाँ पे मेंशन है, क्लरिकल लेवल की टाइपिंग थी। तो पिछली बार जो विवाद हुआ था वो हुआ था कि रेमिंगटन पे टाइपिंग करा ली, रेमिंगटन गेल पे टाइपिंग हो गई थी, जिसके जिसे लेके बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम थी कि रेमिंगटन गेल पे क्यों कराया उन्होंने, स्क्रिप्ट पे क्यों नहीं कराया, और कुर्ती पे क्यों नहीं कराया, कुर्ती देव पे क्यों नहीं हुआ। तो इस चीज़ को उन्होंने सॉल्व करते हुए पहले ही बता दिया है आपको कि वो टाइपिंग किस पे ले रहे हैं। छोटी सी खबर है लेकिन बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हिंदी टाइपिंग मंगल फॉन्ट पे होगी। लेकिन इस बार क्या किया है उन्होंने, आपको तीन ऑप्शन दे दिए हैं। आप इंस्क्रिप्ट में करना चाहें कर सकते हैं, आप देवनागरी पे करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप रेमिंगटन गेल पे करना चाहते हैं तो उस पर भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत लोग मंगल इंस्क्रिप्ट कर रहे थे और कह रहे थे हमें रेमिंगटन नहीं आती है, कुछ लोग रेमिंगटन कर रहे थे और कुछ लोग देवनागरी और कुर्ती पे कर रहे थे। तो उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि मंगल इंस्क्रिप्ट जो होता है सबसे आसान होता है, तो आप उस पर अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस अपनी जारी रखें। ठीक है, चलिए इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे ये कहते हुए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपको ऑप्शन दे दिया है, मंगल इंस्क्रिप्ट या मंगल रेमिंगटन गेल पे या मंगल देवनागरी पे किसी भी टाइपिंग आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप पहली बार आए हैं, और वीडियो अच्छा लगे लाइक करना ज़रूर। चलो चलिए, ख्याल रखिए, खुश रहिए और टेक केयर।